हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। ऑनलाइन इंग्लिश गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 500 बेस्ट वर्ड्स के पार्ट टू लेकर आया हूं, जिसमें मैं पूरे 20 वर्ड्स को ट्रिक से कराऊंगा और बिना रटे आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम, स्पोकन इंग्लिश या एकेडमिक इंग्लिश में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है लूट। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है लूट, तो यहाँ पे देखिए LUT, लूट है ना, LOUT लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लूट। तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, लूट मीन्स लूट, यानी कि लूटने वाला, यानी कि जो लूटने वाला होता है वो क्या होता है, असभ्य होता है। कोई भी धन हो गया या चोरी करके भाग जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो बहुत ही बुरा आदमी है या बहुत ही समाज के लिए क्या है, असभ्य है। इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं कि लूट यानी कि लूटने वाला जो होता है वो क्या होता है, असभ्य होता है। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड। क्या है नेक्स्ट वर्ड, चाइल्ड। चाइल्ड से याद रखेंगे चाइल्ड, चाइल्ड से याद रखेंगे चाइल्ड। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मम्मी जो है अपने चाइल्ड को क्या करती है, डांटती है, तो याद हो जाएगा मम्मी अपने चाइल्ड को डांटती है। तो कैसे याद करेंगे, मम्मी अपने चाइल्ड को डांटती है, तो चाइल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, डांटना। नेक्स्ट वर्ड है कोमली। तो देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है कोमल, कोमली कोमल, कोमली कोमल है ना, तो कोमल में क्या आ जाएगा, कोमल या सुंदर, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है हम लोग का कन्फ्रंट। क्या है कन्फ्रंट, यानी कि देखिए इसमें आ रहा है कौन, फ्रंट यानी कि फ्रंट में कौन है जिससे हम सामना करेंगे, फ्रंट में कौन है जिससे सामना करेंगे। तो आसानी से याद रख सकते हो, फ्रंट में कौन है जिससे हम सामना करेंगे या जिससे मेरा सामना होने वाला है। ओके, अगला वर्ड है प्रोफिशियंट। देखिए प्रोफिशियंट से आ रहा है प्रोफेसर, प्रोफिशियंट प्रोफेसर मिल रहा है, प्रोफिशियंट प्रोफेसर। तो प्रोफेसर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही अनुभवी होता है, बहुत ही कुशल होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कुशल या दक्ष है ना, कुशल या दक्ष, प्रोफेसर जो होता है क्या होता है, बहुत ही कुशल होता है या अनुभव होता है, उसके पास बहुत ही नॉलेज होता है, वो क्या होता है, दक्ष होता है, कुशल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एसीडुअस। एसीडुअस देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, ऐसी दुआ यानी कि कोई भी बुरा इंसान होता है, कोई भी असभ्य इंसान होता है, तो उसको, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दुआ करते हैं। कैसा दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए, वो मेहनत करने लगे, वो रोजी रोटी कमा के खाने लगे, वो बुरे मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग में आने लगे या आ जाए। तो इस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं याद कि ऐसी दुआ यानी कि ऐसी दुआ करो ताकि वो मेहनती बन जाए। ओके, चलिए अगला शब्द देख लेते हैं। अगला वर्ड है मार। देखिए यहाँ पे मार में क्या होता है, मारना। तो देखिए कोई भी किसी को मारेगा तो क्या होगा, मुंह तोड़ देगा या हड्डी तोड़ देगा, तो क्या करेगा, तोड़ देगा। तो यहाँ पे मार में क्या जाएगा, तोड़ना होता है और बिगाड़ना, यानी कि उसका क्या कर देगा, थोपड़ा भी बिगाड़ सकता है या उसका चेहरा भी बिगाड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पर टर्ब। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर टर्ब, यानी कि पर टर्ब से याद आ रहा है आपको टर टर, क्या आ रहा है, टर टर, पर टर्ब यानी कि टर टर, पर टर्ब यानी कि टर टर। तो यहाँ पे देखिए टर टर की आवाज़ से हम लोग को क्या होता है, परेशानी होता है, जब भी मेटा आवाज करता है टर टर तो हम लोग को बहुत ही परेशानी होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा टाइप का लगता है। तो याद रख सकते हैं पर टर्ब में क्या जाएगा, परेशान करना। अगला वर्ड देख लेते हैं, अगला वर्ड है दोस्तों एबसर्ड। क्या है एबसर्ड, यानी कि अब सर दर्द, अब सर दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि वो बेतुका बातें कर रहा है, कोई भी बेतुका बातें करता है यानी कि कोई भी अननेसेसरी बातें करता है, तो हम लोग क्या होता है, बहुत ही सर दर्द होने लगता है, बहुत ही हम लोग को टेंशन होने लगता है। तो याद रख सकते हैं अपसर्ड यानी कि अपसर्ड में क्या हो जाएगा, बेतुका। नेक्स्ट वर्ड है स्पेन। क्या है स्पेन, तो स्पेन से याद रखेंगे हम लोग स्पेन, स्पेन जो होता है कंट्री है ना, तो मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया से हम लोग जाएंगे स्पेन, तो क्या होगा, हम लोग को टाइम लगेगा है ना, तो स्पेन में क्या आ जाएगा, अवधि या समय, स्पेन में क्या आ जाएगा, अवधि या समय। ठीक है, आसानी से याद रख सकते हैं, स्पेन मीन्स स्पेन जाएंगे यानी कि टाइम लगेगा, तो स्पेन में क्या आ जाएगा, अवधि। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ट्यूज। क्या है ऑब्ट्यूज, तो इसको क्या किसे याद रखेंगे, ऑब्ट्यूज सबसे पहले जान लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मंद बुद्धि। ऑब्ट्यूज में क्या जाएगा, मंद बुद्धि। देखिए अब से, अब तू से, अब तू से याद आ रहा है ना, अब तू उसे यानी कि ऑब्ट्यूज से देखिए ये रिलेट कर सकते हैं, अब तू उसे, अब तू उसे मंद बुद्धि मत बोल, अब तू उसे मंद बुद्धि मत बोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है रेस्ट है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, WREST लिखा हुआ है, रेस्ट मीन्स क्या होता है, छीन लेना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेस्ट, तो रेस्ट मीन्स क्या होता है, बचा हुआ।
तो जितना बचा हुआ था वो भी मेरे से क्या कर लिया, वो छीन लिया। जो भी मेरे पास बचा हुआ था वो भी उसने छीन लिया, तो रेस्ट मिस कर देगा, छीन लेना। नेक्स्ट वर्ड है सीनियर। क्या है सीनियर? तो देखिए सीनियर जूनियर का मजाक उड़ाता है ना, सीनियर जूनियर का मजाक उड़ाता है। कभी हम लोग जाते हैं कॉलेज हो गया या यूनिवर्सिटी हो गया या कोई भी स्कूल हो गया, तो हम लोग जाते हैं जब नया नया, तो सीनियर जो होता है वो हम लोग क्या करता है, मजाक उड़ाता है। तो याद रख सकते हैं सीनियर मिस किया जाएगा मजाक उड़ाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सब साइड। यहाँ पे देखिए सब साइड से हम लोग कर सकते हैं सब को साइड, तो इसका मीनिंग होता है कम होना। सब को साइड यानी कि देखिए ये लाइन लगा हुआ था और सब क्या हो गया, साइड हो गया, तो साइड हो गया क्या हो गया, कम हो गया। सब साइड यानी कि सबको साइड कर दिया, क्या हो गया, कम हो गया। अगला वर्ड देखते हैं मिट्टी गेट, है ना। यहाँ पे देखिए मिट्टी का गेट, देखिए मिट्टी का गेट जो होता है क्या होता है, कमज़ोर होता है। मिट्टी का गेट में अगर हम लोग लात मारेंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि कमज़ोर होता है। तो मिट्टी का गेट यानी कि कमज़ोर, मिट्टी का गेट यानी कि कमज़ोर। मिट्टी गेट से याद रखिए, मिट्टी का गेट, मिट्टी का गेट। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, ब्रिटल। देखिए ब्रिटल से याद आ रहा आपको, ब्रिटल से रिलेट कीजिए बियर की बोतल। ब्रिटल मीन्स बियर की बोतल, ब्रिटल मीन्स बियर की बोतल, याद हो गया, ब्रिटल मीन्स बियर की बोतल। तो ब्रिटल मीन्स क्या जाएगा, नाजुक और जल्दी टूटने वाला। तो देखिए बियर का बोतल जो होता है टूट जाता है, क्यों, क्योंकि बियर पीने के बाद सब कोई फेंक देता है, तो जल्दी ही टूट जाता है, या नाजुक होता है, क्यों, क्योंकि वो शीशा का बना हुआ होता है। तो बियर की बोतल यानी कि नाजुक या जल्दी टूटने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का एब्सकॉन्ड, इसका मीनिंग क्या होगा, फरार होना। एब्सकॉन्ड मीन्स हो जाएगा फरार होना। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इसको याद रखने के लिए हम लोग रिलेट करेंगे एब सेकंड में, यानी कि अब सेकंड में सकते हैं कि अब सेकंड में फरार हो जाओ, यानी कि एब्सकॉन्ड मीन्स फरार होना। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉल। तो स्टॉल मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्टॉल मीन्स कोई भी दुकान होता है, तो आसानी से याद रखते हैं स्टॉल मीन्स हो जाएगा बासी, इसका मीनिंग होता है बासी। तो यहाँ पे देखिए इसको याद कैसे करेंगे, इस स्टॉल यानी कि इस स्टॉल में बासी खाना मिलता है, इस स्टॉल में बासी खाना मिलता है, ठीक है। अगला वर्ड है मैन डेड, है ना। मैन डेड क्या है, मैन डेड, देखिए यहाँ पे मैन डेड यानी कि मैन मिस क्या होता है, मुख्य होता है ना, मैन मिस क्या जाता है, मैन मिस हो जाएगा आपका मुख्य, और डेड, मुख्य डेड को हम लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे, किसी को जिताने के लिए, है ना। तो मैन डेड यानी कि जनमत, मैन डेड क्या जाएगा, जनमत, क्या करेंगे, जनमत करेंगे, एक साथ हम लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं मैन डेड यानी कि मुख्य डेड को हम लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला और लास्ट वर्ड है अब सॉल्व, इसको बोलेंगे अब सॉल्व, क्या बोलेंगे, अब सॉल्व। तो इसको याद कैसे करेंगे, अब केस सॉल्व हो गया, ये बंदा बोल रहा है कि अब केस सॉल्व हो गया तो हमको मुक्त क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे मुक्त क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे, अब सॉल्व यानी कि अब केस सॉल्व हो गया तो मुझे मुक्त कर दो, अब केस सॉल्व हो गया तो मुझे मुक्त कर दो, यानी कि अब सॉल्व मीन्स क्या जाएगा, मुक्त करना, ठीक है, अब सॉल्व मीन्स मुक्त करना। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो भी स्टडी कर रहे हो या जो भी कोई भी इंग्लिश सीख रहे हो या किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंक का या SSC का, रेलवे का, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें ताकि औरों को भी सीखने का मौका मिलेगा, नई चीज़ सबको मिलना चाहिए दोस्तों। तो सभी कोई आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि नए नए ट्रिक से सभी कोई अवगत हो सके। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।